Hello students, today we will start up with the new topic Roman numerals. You know our counting is made up of some symbols and those symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Whole counting is made up of these 10 basic symbols and the counting made by a numeration made by these symbols are called and Hindu Arabic numerals or international number system. Number system that we are using regularly in our day-to-day life. But there is one more numeration that is called Roman numbers. It is basically used in Rome and still they are being used. They have, Roman numbers have, the numerals have seven basic symbols. They are this, 1, it is called 1, 5, 10, L is 50, 100, C, 500 D and M is for 1000. These are the seven basic symbols which are being used by the Romans. The whole Roman numerals are based on these seven symbols. Means unki sari Roman counting jo hai, wo in seven basic symbols pe dependent hai. Jaise apni sari counting in symbols pe based hai, Roman counting sari in symbols pe based hai. Inke alawa ek aur symbol hai, that is bar. Aise dikhta hai, it is called bar. Bar is for 1000 times. Means जिस भी symbol के ऊपर bar लग जाएगा वो symbol 1000 से multiply हो जाएगा. For example, if we take 5 bar, it means it is 5000. If we take 10 bar, it is 10,000. Now a little bit of this you know also. Even then, अगर हम basic counting की बात करें तो हमारी जो first ones place वाली line है 10. It is 1 in Romans, 2 in Romans, this is 3 in Romans. हमने जो है एक सिंबल को तीन बारी रिपीट कर सकते हैं, that's it. Like यहाँ पे 1 टाइम लिया, यहाँ पे 2 टाइम लिया, 2 बन गया, 3 टाइम लिया, 3 बन गया. 4 के लिए हम इसको 4 टाइम्स नहीं बनाएंगे. उसके लिए हमें अगला सिंबल लेना पड़ेगा 5 और इसमें से एक माइनस कर देंगे, it will become 4. अब ये चीज ध्यान में रखो, जब किसी सिंबल के, बिगर सिंबल के लेफ्ट साइड पे कुछ होता है, दैट इज सबट्रैक्टेड, और बिगर सिंबल के राइट साइड पे कुछ है, दैट इज ऑलवेज इन प्लस. तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 लिखा, दिस इज माइनस, मतलब 5 माइनस 1 इट इज 4. 5 का सिंबल हमें पता है. 6 के लिए अब हमने वैसे ही, और सब्ट्रैक्शन सिर्फ सिंबल को एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बारी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो 6 के लिए 5 के साथ राइट साइड पे 1 लगाया मैंने, तो 5 प्लस 1 6 बन गया. 7 के लिए राइट साइड पे 2 बारी 1 आ जाएगा. 8 के लिए राइट साइड पे 3 बारी 1 आ जाएगा. तो दिस इज 5 6 7 एंड 8. नाउ अगेन 9 के लिए हम 4 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे. तो क्या करेंगे, अपने पास नेक्स्ट सिंबल है 10 का, तो हम 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बिकम 9. दिस इज द way how they write 9 in Romans. 10 we have the symbol again. Now पहले 10 ही आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा. Other than that आपके पास counting easy है. Like 11, what is 11? 10 and 1 means 10 ये है, 1 ये है. 12, what is 12? 10 and 2, बस basic symbol as it is चला, 9 तक की counting as it is चलाते जाओगे आप. अब उसके बाद आएगा क्या, 20. 20 के लिए हमने क्या करना है, 10 एक बारी और 10, 20 बन गया. थोड़ी सी कैलकुलेटिव होना पड़ेगा आपको. अब 21 लेना है, तो 20 तो अपने पास है, क्या करेंगे, 1 का सिंबल साथ में लगा देंगे राइट साइड पे. 21, इट विल बिकम 22, दिस विल बिकम 25 इफ आई राइट दिस एंड सो ऑन. आई हैव मेड अप सम नोट्स फॉर यू, सो सी हियर. This is Roman numerals. Basic symbols अब आपके कौन से हैं?
I have told you earlier that 1, 5, 10, L, C, D, M. They are 50, 100, 500 and 1000. Here is a trick. How you can learn that? See, 1 to aap sabko pata hi hai. Aap first position bahut bari. Aap dekhte ho. 5 is your class. 5th class. 5. 10. Then, in mein confusion hota hai basically bachcho ko. 50, 100, 500 and 1000 mein. इन में कंफ्यूजन होता है तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो लाइक वी हैव एलसीडी टीवीज राइट नाउ टीवीज में एलसीडी आ रहे हैं तो हम इनको लर्न करने के लिए एलसीडी सीक्वेंस में लर्न कर लेंगे दैट इज 50 100 एंड 500 एल इज फॉर 50 सी इज फॉर 100 सीक्वेंस में और एम 1000 में सेपरेटली आप लर्न कर सकते हो तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कीप दीज सिंबल्स इन माइंड ठीक है जी आफ्टर दैट आई टोल्ड यू देयर इज अनदर सिंबल दैट इज कॉल्ड बार बार हम जिस भी नंबर पे प्लेस कर देते हैं दैट नंबर बिकम्स 1000 टाइम्स लाइक 5 है तो 5000 3 पे लगा तो 3000 अब कुछ पॉइंट्स है जो आपने माइंड में रखने हैं रोमन नंबर्स के रिगार्डिंग दे आर दैट सिंबल्स 1 एक्स सी एंड एम मतलब 1 10 100 एंड 1000 1 वाले नंबर सारे दे आर रिपीटेड इनको हम रिपीट कर सकते हैं वन को भी जैसे हमने वन टू थ्री में वन को रिपीट किया टेन को भी हम रिपीट कर सकते हैं लेकिन ट्वेंटी थर्टी इसमें रिपीट किया और जो सी है उसको भी हम रिपीट कर सकते हैं सी इज हंड्रेड में आगे आपको बताऊंगी हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड के लिए हम सी को रिपीट करेंगे एंड एम को भी रिपीट कर सकते हैं बट ये वाले जो सिंबल है फाइव वाले लाइक फाइव फिफ्टी एंड 500 इनको हम रिपीट नहीं कर सकते रोमन न्यूमरेशन का रूल है ये एंड कोई भी सिंबल नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम्स आई टोल्ड यू ये सिंबल हम रिपीट कर सकते हैं बट ओनली थ्री टाइम्स तक इससे ज़्यादा हम सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते जो सिंबल वन है ये सिंबल हम फाइव और टेन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इनके लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है ये फाइव और टेन के और जो सिंबल टेन है वो 50 और 100 के लेफ्ट पे लिख सकते हैं इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी से नहीं सिमिलरली द सिंबल सी ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा बाकी प्रैक्टिस से आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा ये सिंबल सी यानी कि 100 वाला जो सिंबल है वो डी और एम में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है अदरवाइज वो नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता तो वो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के लेफ्ट पे लिखा जाता है देन दैट इज सब्ट्रैक्टेड और जब स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के राइट पे लिखा जाता है देन दैट इज एडेड तो कीप दैट इन माइंड यहाँ पे है राइट साइड ऑफ द नंबर रिटन ऑन द राइट साइड देन इट इज एडेड व्हेन सब्ट्रैक्टेड एंड यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देना भूल गई तो यू कैन टेक नाइन एज एग्जाम्पल देयर इज टेन है टेन के लेफ्ट पे वन है तो इट बिकम्स नाइन क्लियर नाउ देयर इज एन हेल्प बॉक्स देयर इज अ हेल्प बॉक्स दैट विल हेल्प यू ये काउंटिंग मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी ये देखो अब शॉर्टकट सा बताती हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लाइक दिस इज 20 दिस इज 30 थ्री टाइम्स 40 के लिए नेक्स्ट सिंबल लिया उसमें से 10 माइनस कर दिए 40 50 का सिंबल है 60 एक 10 ऐड किया 2 टेंस ऐड किए 3 टेंस ऐड किए 80 बन गया ऐसे ही माइनस कर दिया तो 90 एंड सो ऑन इट विल हेल्प यू यू हैव वन टेबल इन यूर बुक ऑल्सो एट पेज 25 यू कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम देयर ऑल्सो ये देखो मैंने किया 1000 2000 3000 देन 4 पे बार आ गई 4000 5000 एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू